नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, मैं अरविंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल चैनल पेपर हैकर में। जैसा कि आप सभी को पता है, रोज़ शाम 4 बजे CBSE क्लास 10th की मैं मैथ्स आपको करवा रहा होता हूं। इसकी सीरीज़ में हमारा 9th लेक्चर आज शुरू होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर आज 8.3 के बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे और अपने मैथ्स में कमांड को और मजबूत करेंगे। ओके, एक थम्स अप दे देंगे आप मुझे कमेंट्स में। और आज का मैं सेशन शुरू करने जा रहा हूँ। आज का जो सेशन है ना बेटा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही बिल्कुल फंसने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। जो मैं आज क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस सेशन से जुड़े रहिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए आज हम शुरू करते हैं 8.3 के। इसको आप रिवाइज कर लेंगे, जो मैं अब तक आपको दो लेक्चर में रिवाइज करा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, कहाँ से ये सॉल्व वो करा रहे हैं सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ आपको। इसको आप देख लेंगे, एक बार नज़र मार लेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैंने हर पेज पर बेटा उसको लगा दिया है ताकि आपको बार बार पीछे ना देखना पड़े वीडियो में। ओके, तो क्या कह रहा है बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन। टेन टू ए इज इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए जो हमारा एंगल है ना बच्चों, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा ये कैसे सॉल्व होगा हमारा एंगल। तो बेटा आप देखिए ज़रा कि टेन का रिलेशन है कहाँ पर, टेन का रिलेशन है कहाँ पर। टेन का रिलेशन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टेन का रिलेशन बेटा है कॉट 90 माइनस थीटा। और ये थीटा क्या होता है बच्चों, ये थीटा यही तो होता है, ये है ना, यही तो होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, रुकिए ज़रा कि इसको पुट करेंगे। बस देखिए इसको पुट करेंगे, टेन थीटा। तो टेन टू ए अगर मैं लिखना चाहूँ इस फॉर्म में तो क्या लिखा जाएगा, टेन टू ए इज इक्वल टू कॉट ए माइनस 18। ये हमें बेटा क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब टेन टू ए को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 2a, क्योंकि थीटा जो इतना होता है वही वहां पर होता है। तो बेटा यहाँ पर हमारा 2a है तो वहां पर भी 2a ही रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई। तो बेटा टेन टू ए को मैं क्या लिखूंगा, कॉट 90 माइनस, बच्चे यहाँ पर 2a था, यहाँ पर थीटा था तो वहां पर थीटा रहता है, लेकिन यहाँ पर जब 2a है तो यहाँ पर भी 2a ही रहेगा। बोलिए समझ में आई आपको ये बात। ओके, इक्वल्स टू जो वहां बेटा एक को फिक्स रखेंगे, पॉलिसी आपको मेरी याद होगी, एक को फिक्स रखेंगे, एक को चेंज करेंगे। सर ये आप कर क्यों रहे हो, डायरेक्ट सॉल्व क्यों नहीं किया आपने, कट कर देते। लो बेटा ऐसा नहीं होता है, टेन और कॉट एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे जब तक वो दोनों सेम रिलेशन नहीं है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। ओके, तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, दोनों तरफ या तो टेन बना लीजिए या तो दोनों तरफ क्या बना लीजिए, कॉट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर टेन को कन्वर्ट किया है कॉट में। अब हम देख पा रहे हैं LHS और RHS दोनों तरफ क्या हो गया है, कॉट बन के आ गया है। अब कंपेयरिंग की हेल्प से इन दोनों को हम निगलेक्ट कर देंगे, हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बन के आ जाएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18। सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये बचेगा हमारा, कॉट हमारे रिमूव हो चुके हैं, और ये रिमूव तभी हो पाएंगे जब हम दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखेंगे। अगर डिफरेंट है, क्वेश्चन में हमें एक तरफ टेन दिया था दूसरी तरफ कॉट दिया था, वो नहीं होंगे कैंसिल आउट। जब दोनों तरफ टेन होंगे या दोनों तरफ कॉट होंगे या दोनों तरफ साइन होंगे, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, तब वो कैंसिल आउट होंगे। ओके, चलिए तो बेटा क्या करेंगे, नंबर्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ। तो बेटा 90 इधर है और माइनस का 18 इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 18, और ये जो माइनस का 2a उस तरफ जाकर a प्लस 2a हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स मैंने चेंज किए हैं, माइनस का 2a उधर जाके प्लस का 2a हो गया और माइनस का 18 इधर आके प्लस का 18। तो बेटा इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों, 108, और इधर बेटा कितना चलेगा, 3a। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो बेटा इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो रह नहीं गई है, इसको बेटा क्या करेंगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 बेटा मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो डिवाइड में पहुँच जाएगा 108 बाई 3। बोलिए ज़रा इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 और 18 36 डिग्री। यहाँ पर हमारी a की वैल्यू बच्चों आ चुकी है। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा बताइए, टफ था क्या, बिल्कुल टफ नहीं था, बस एक कॉन्सेप्ट समझना था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तभी एक दूसरे से कटेंगे या
कंपेयर होकर हटेंगे जब वो दोनों सेम होंगे। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो ये वाली एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं लग पाएगी। और बेसिकली क्वेश्चन में आपको डिफरेंट ही दिए होंगे, आपको बस रिक्वायरमेंट आपसे ये होगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, इनको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है? इतना काम आपको करना होगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बेटा 8.3 में सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, 90 माइनस थीटा और कन्वर्जन पे, ठीक है? तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, प्रूव दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चे टेन ए आपको कितना दिया हुआ है, टेन ए इज इक्वल्स टू कॉट बी आपको दिया हुआ है बच्चों, ठीक है? तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे मैंने आपको सिखाया है कि कॉट बी या टेन बी किसी एक को फिक्स रखेंगे और एक को कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करना चाहिए हम लोग को कि हम क्या करते हैं, कॉट को चेंज कर लेते हैं इस बार, क्योंकि पिछली बार हमने टेन को चेंज किया था। तो हमें कभी भी हैबिचुअल हो जाना है हर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, हमें हर कोई चेंज करना आना चाहिए। पिछली बार हमने टेन को चेंज किया, इस बार हम कॉट को चेंज कर लेते हैं। तो टेन ए को तो हम ऐसे ही रखेंगे और इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस बी। ओके, अब बेटा देख पा रहे होंगे आप दोनों तरफ क्या हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 और 10 दोनों तरफ इक्वल हो गए हैं। तो कंपैरिजन के थ्रू इनको रिमूव कर सकते हैं हम। अब क्या बन के आ जाएगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ए इक्वल टू 90 माइनस बी। बहुत आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, लेकिन जिसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट उसको दिक्कत होगी बेटा, ठीक है? उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन हम उनमें से नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने पढ़ाया किससे, अरविंद सर से। उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें जाकर। बच्चे बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ रहे हैं, सब कुछ सीख रहे हैं। आप किसका वेट कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, नाइन बेटा इधर आएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ये माइनस का भी इधर आके प्लस का भी हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। और बेटा ख़त्म हो गया क्वेश्चन, मुझे लगा और कुछ करना भी है। चलिए, तो बच्चे ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री लाना था, और ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आ चुका है, ठीक है? ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हमारा आ चुका है। तो बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक 4a इज इक्वल्स टू कॉस सेक ए माइनस 20। यहाँ पर 4a इज एन एक्यूट एंगल। बेटा ये लाइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ बस मैं कि जब एक ट्राइंगल होता है बच्चों, तो ये वाला एंगल देखो, एक तो 90 डिग्री हो ही गया, ठीक है? एक तो 90 डिग्री हो ही गया, तो पूरे ट्राइंगल में सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब एक 90 हो गया, तो दूसरा वाले कितने भी हों लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये लाइन लिख दी जाती है कि 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 से कम। ये लिखने का ही मतलब है, सॉल्व करने में हमारी इसकी कोई हेल्प नहीं है, ठीक है? चलो, इतनी बात समझ में आ गई आपको, इसको हटा दें, बस समझाने के लिए बनाया था। चलिए आइए, अब sec 4a इज इक्वल टू, बेटा फिर से वही काम, sec को कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा cosec में। sec को कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो बेटा रिलेशन कहाँ मिल रहा है आपको, ये आपको रिलेशन मिल रहा होगा यहाँ पर, सेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह पे कितना है, 4a है, तो 90 माइनस 4a हो जाएगा बेटा। सेक 4a क्या बन जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू, जो दिया हुआ है एज इट इज कॉपी कर देंगे, कॉसेक ए माइनस 20। ओके, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अब बेटा फिर से वही काम, दोनों तरफ सेम हो गए ये लोग, कंपेयर करके हटा देंगे, कितना हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू ए माइनस 20। बेटा इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है? अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में। देखिए, वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाएंगे और जो नंबर्स हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। ओके, तो बेटा होगा क्या, यहाँ पर 90 माइनस 20 इधर आकर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 20 बन जाएगा, और माइनस का 4a उधर जाकर प्लस का 4a बन जाएगा। ओके, इसको सब लोग को बच्चों ने कर लिया होगा, 90 और 20 बच्चे 110, और इधर घटक क्या चल रहा है, 5a। इतनी बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को, कैलकुलेशन हो रही है बेसिक नॉर्मल वाली। ए कितना हो जाएगा यहाँ से बच्चों, 110 अपॉन 5, बेटा ये कितना आएगा, 22 डिग्री। ओके, 22 डिग्री। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल कमेंट्स में आप इस बात को बता सकते हैं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है या कम आ रहा है, या मैं और बेहतर कर सकता हूँ इसमें, आपको कमेंट्स में आप मुझे बताएं।
ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है बच्चों, थोड़ा सा हटके है, इसीलिए इस पर ज़्यादा अटेंशन देंगे हम लोग, और भले ही ज़्यादा टाइम लग जाए लेकिन समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो होगा क्या, इफ़ एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, तो बच्चे कह रहा है कि एक ट्राइंगल ले लीजिए आप पहले। बहुत अच्छे, ए बी और तो बेटा इन तीनों का सम कितना होता है? ये तो बेटा इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। तीनों का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से एंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट। ओके, तो हमें बेटा देखो प्रूविंग की यही खासियत है कि जो चीज़ आपको वो चाहता है आप धीरे धीरे स्टेप बाय उसको निकालते जाइए। ठीक है, अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती प्रूविंग में, जो वो चाहता है हमसे बस वही हमें निकालना होगा। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो तीनों आ रहे हैं, लेकिन इसे कितने चाहिए? बस बी प्लस सी एक तरफ चाहिए और ए उस तरफ। तो कुछ बात नहीं है बेटा, बी प्लस सी को एक तरफ रख लो और ए को उस तरफ भेजो। सर ऐसा क्यों किया आपने? मैंने प्रूविंग के थ्रू किया। अगर प्रूविंग में ए प्लस सी यहाँ रुका होता उसने, तो मैं ए प्लस सी को रख लेता, बी को उधर भेज देता। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब करना क्या है सर, यहाँ पर तुम्हारा बी प्लस सी आया है लेकिन इसको क्या चाहिए? साइन बी प्लस सी। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, और साथ में बेटा टू डिवाइड में भी है दोनों में, तो क्या करना चाहिए हमें? प्रूविंग में जो वो कह रहा है वैसा ही हमें स्टेप टू स्टेप चलना है। वो कह रहा है टू से डिवाइड करो दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे बेटा, टू से डिवाइड कर लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ से, बी प्लस सी बाई टू, और ये बेटा अलग अलग डिवाइड कर लेंगे इसको, 180 बाई टू माइनस ए बाई टू, डिफरेंट डिफरेंट करके कर लेंगे। तो यहाँ से तो बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 आ जाएगा, माइनस इसकी जगह पर बेटा क्या आ जाएगा, ए बाई टू। इतनी बात बेटा देख लो, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है मैं मानता हूँ, लेकिन आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। मैं आपको एक बार कम समझ में आया तो मैं बाद में समझा दूंगा, फिर से समझा दूंगा, बस आप कमेंट से बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बेटा क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, साइन आ रहा है। तो अगर आप दोनों तरफ साइन लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू, पूरे पर साइन लग जाएगा बच्चे, साइन 90 माइनस ए बाई टू। इतनी बात आप बताइए मुझे, इस समझ में आ गई या नहीं आ गई? बहुत ईजी चीज थी जो वो कह रहा था हमसे करने के लिए कि हमें ये लाना है, तो हमने स्टेप वाइज वो सारी चीज़ें हम करते चले गए बेटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार ये पूरा क्वेश्चन हो जाए उसके बाद फिर से एक बार आपको रिवाइंड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो बेटा होगा क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, साइन बी प्लस सी बाई टू, ये तो बेटा ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे बेटा, ये क्या है, साइन 90 माइनस, बोलो बोलो बोलो, अरे मिट जा भाई, चलो साइन 90 माइनस ये क्या है बच्ची, ये पूरा एक थीटा है, ये पूरा थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो जल्दी, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये दिखा हुआ है। ये दोनों रिलेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ चूज हो जाते हैं। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कितना दिया हुआ है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही काम करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बटाया हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या है यहाँ पर, ए बाई टू है। तो बेटा मुझे लगता है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, आप देख रहे थे कि मतलब चीज़ तो वही लग रही थी इस क्वेश्चन में भी, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से लग रही थी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ध्यान से समझने के लिए बोला था इसको। ठीक है, किया क्या मैंने, पहले एक ट्राइंगल की लेट किया कि तीनों की एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उसके बाद उसने हमसे कहा बी प्लस सी निकाल लिए, तो हमने ए को दूसरी तरफ भेज दिया, बी प्लस सी निकाल दिया। उसने कहा कि हमें डिनोमिनेटर में टू भी चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ टू से डिवाइड कर दिया। उसने बोला बाद में साइन भी चाहिए, तो हमने दोनों तरफ साइन ले लिया। तो एक तरफ तो बेटा साइन फिक्स रहा, लेकिन हमने दूसरी तरफ देखा कि अरे साइन 90 माइनस थीटा बन रहा है, और उसका तो अरविंद सर ने हमें बताया है रिलेशन, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसीलिए हमने साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिख दिया। इससे हमारा प्रूफ आ गया और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, ये भी फिफ्थ है, ये भी फिफ्थ है, ये तो बहुत गड़बड़ बात है बेटा, ये सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेना आप, ये एनसीईआरटी 8.3 का सिक्स्थ क्वेश्चन है। ओके,
अब चलते हैं आगे, इसको बेटा सेवेंथ कर लेंगे आप, इसको सेवेंथ कर लेंगे, ये सेवेंथ क्वेश्चन है बच्चे, लिए लिख दे रहा हूँ बस। चलिए अब कह रहा है एक्सप्रेस, अरे वाह एक्सप्रेस करना है अपने आप को, बहुत आसान काम है। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। ओके आ जाओ बेटा इस लास्ट क्वेश्चन को खत्म करते हैं और 8.3 की राम राम सत्य कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, 67 और 75, आप देख रहे होंगे बच्चों 65 और 75 ये सब जो हैं क्या ये 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, ये क्या है ये 0 और 45 से ज़्यादा हैं। लेकिन हमें क्या करना है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि ये क्या हो जाए 0 और 45 के बीच में आ जाए। तो करना क्या होगा आपको, कुछ नहीं करना है, इनको 90 माइनस की फॉर्म में लिख के दिखाइए आप ज़रा। बेटा साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस, बोलो जल्दी बोलो भाई, 23 है ना, साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, कॉस 90 माइनस 15। ओके इसको रब कर देते हैं, ठीक है ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 90 माइनस 15। अब बेटा कुछ नहीं रह गया, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं आप, सब कुछ आपको याद हो चुका होगा मेरी ये उम्मीद है, ठीक है। तो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बच्चों होता है कॉस थीटा, तो कॉस 23 हो जाएगा प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा, साइन 15 डिग्री। तो बेटा मुझे अब ये बताइए कि इसमें जो एंगल्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें एंगल्स आ रहे हैं बच्चों 23 और 15, क्या ये दोनों एंगल्स 0 और 45 के बीच में लाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कितना आसान था, आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस करना था 67 डिग्री और 75 डिग्री, इन दोनों को ऐसे एंगल्स पे कन्वर्ट करना था जो 0 डिग्री और 45 के बीच में लाई करें। तो बेटा इसका और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है, इसको 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा जैसा कि मैंने आपके सामने किया है, और उसके बाद ये आंसर आपका आ जाएगा। ये हमारा 8.3 का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको 3 एक्सरसाइज करवा दी हैं, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है बेटा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक शेयर कर देना। बेटा यहाँ पर कोई कंपटीशन थोड़ी हो रहा है कि कंपटीशन एग्ज़ाम है हम शेयर नहीं करेंगे, अकेले हम पढ़ेंगे, ये तो बेटा अकेडमिक एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, अपने सहेलों को, सहेलियों को, सबको क्या करोगे, इस वीडियो को शेयर कर दोगे, जिस वजह से सारे बच्चे सीख सकें, ठीक है। बेटा हमारा मेन मोटिव यही है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, कुछ आप स्कूल में सीखिए, कुछ आप हमसे सीखिए, कुछ आप अपने बड़े भाई बहनों से सीखिए, मेन हमारा गोल यही है कि आपको सक्षम बनाना है, आपको बहुत अच्छे से बिल्डअप करना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। आपको समझ में आना मेन प्रायोरिटी है, कुछ हम नहीं कहते सारा कुछ आप हमसे ही सीख लेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, कुछ आप अपने घर वालों से सीखेंगे, कुछ अपने टीचर्स से सीखेंगे स्कूल में, कुछ भाई बहन से, कुछ फ्रेंड से। मेन गोल क्या है, मेन गोल है आपको ऊपर तक पहुंचाना, ऊपर की हाइट्स तक पहुंचाना, ठीक है। तो आप बिल्कुल अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस रखिए, आसपास में जो हो रहा है उस पर कम ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर, अपने गोल पर कभी भी संदेह नहीं करते, ठीक है। तो बिल्कुल संदेह नहीं करना है उस पर। आपको मैं अपना आज का सेशन बता दूं, मैंने आपको क्या क्या कराया है। 8.3 हमने बेटा शुरू की, उसके बाद हमने आपको क्वेश्चंस कराए, थर्ड क्वेश्चन सर आपने थर्ड से स्टार्ट करा दिया। बेटा फर्स्ट और सेकंड लास्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ही इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 ये हो गया हमारा, फिर क्वेश्चन 4 हुआ था, फिर 5th हुआ था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, मैं हट जा रहा हूँ, 6th हो गया, उसके बाद 7th हो गया, यहाँ पर आकर हमारी जो क्लास थी आज की बाइंड अप होती है, ठीक है। तो आप इस वीडियो के बारे में कुछ अच्छी बातें, ख़राब बातें, जैसी भी बातें हैं कमेंट्स में लिखकर बता देंगे, ठीक है। जिसको मैं पढ़कर अंदाज़ा लगाऊंगा कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन चाचा क्या कह रहे हैं, उसका भतीजे का 10% आए, उसके 100% आए, 90% आए, वो नहीं सोच रहा है। आपके पिछली बार से ज़्यादा आए या कम आए वो माइंड करता है बेटा, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपसे, आपके मार्क्स पिछली बार से ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं उस पर फोकस करो,
कौन कितने ला रहा है, कौन कितने कम ला रहा है, कौन कितने ज्यादा ला रहा है, वो तो काम दुनिया का है। दुनिया का काम क्या है? डिस्टर्ब करना, उस दिन बताया था मैंने आपको, ठीक है? तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, अपनी पढ़ाई पर फोकस रहना है और अपने गोल की तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल से बेटा जो चीज़ स्टार्ट होने वाली है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर क्वेश्चन हाई लेवल आता है, ये भी मैं कह रहा हूँ, अगर लो लेवल क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो अब तक पे फंस जाएगा, 8.3 तक से फंस जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर हाई लेवल क्वेश्चन देता है तो 8.4 से ही देगा, और 8.4 बहुत बहुत मतलब बहुत बेस है, मतलब बेस अब तक पढ़ लिया, अब हाइट्स तक जाना है तो 8.4 इज़ द बेस्ट। तो उसको सब लोग ध्यान से समझेंगे, जितने भी आसपास आपके दोस्त हैं उनको जोड़ लेंगे उस वीडियो से। मैं आपको इतनी आसान वे में उसको समझाने वाला हूँ जहाँ तक आपने कभी भूलेंगे नहीं, आप उसको आपके माइंड में परमानेंट सेट कर दूंगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। तो अब मिलते हैं हम कल की वीडियो में, आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।